फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एवीटीवी फूड में। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो है गोभी की खीर। फ्लावर गोभी या फिर कोबी, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में इसे बोला जाता है, उसी फ्लावर से आज मैं आपको एक स्वादिष्ट खीर बनाना सिखाऊंगी। ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस रेसिपी। आप लाइक करना मत भूलते जाइए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गोभी की खीर बनाना। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक किचन टिप शेयर करूंगी। तो गोभी की खीर बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगेगी वो ऐसी है: पीसे हुए बादाम, छीली हुई गोभी, ये कैसे छीलना है मैं आपको आगे बताऊंगी, ये किशमिश, इलायची पाउडर, ये है चिरौंजी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल करिए, पर इससे स्वाद काफी अच्छा आता है। और मैंने 3 बाउल ये दूध लिया है। ये बटर लिया है। अभी हम देखेंगे इस फ्लावर को मैंने कैसे छीला है। ये ऊपर का हिस्सा आप निकाल सकते हैं या फिर ये नीचे का हिस्सा आप मिक्सर से ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने ये ऊपर का हिस्सा निकाल लिया है। आप चाहे तो पूरे के पूरा ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके साथ ही चीनी ली है। सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे और इसमें बटर डाल देंगे। बटर डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। मैंने ये फ्लावर में ही इलायची पाउडर मिक्स कर दिया था। अब हम ये फ्लावर इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा सा सुनहरा या फिर गहरा थोड़ा सा होने तक हम लोग भूनेंगे। फिर इसमें हम लोग थोड़ी सी चिरंजी डालेंगे। चिरंजी आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर स्वाद इससे काफी अच्छा होता है। इसे थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी देर में आप फ्राई करते रहिए। फ्राई होने के बाद इसमें डाल दीजिए आप बादाम, किशमिश और इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए। ये देखिए, ये जो फ्लावर है इसको हमने पकने देना है। अगर ये कच्चा रहा तो खीर में कच्चे फ्लावर का स्वाद आएगा। ये देखिए, ये पक गया है, ये थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। ऐसे करने तक आपको इसको पकाना है। जैसे ही लगे ये थोड़ा सा पक गया है तो आप इसमें 1 बाउल पानी डाल दीजिए ताकि जो हमने गोभी ली है वो सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें अभी मैं 1 बाउल पानी डाल रही हूँ सॉफ्ट होने के लिए, कि जब तक ये सॉफ्ट नहीं होता है तब तक इसे पानी डाल के आप पकाइए, क्योंकि गोभी को थोड़ा सा पकने में टाइम लग, हम इसे घी में फ्राई कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है पकने के लिए। तो देख सकते हैं आप, ये काफी अभी ब्राउन हो गया है। अभी हम मान के चलते हैं कि गोभी अच्छी तरह से पक गई है। जैसे ही हमें लगे कि गोभी काफी अच्छी तरह से पक गई है, इसमें आप चीनी है वो चीनी डाल दीजिए। मैंने 1 बाउल चीनी ली थी, उतनी चीनी आप डाल दीजिए इसमें, जितना आपको चीनी पसंद है। उसके साथ ही आप उसमें दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक इसे उबालिए ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 5 से 10 मिनट में ये खीर आपकी बनके रेडी हो जाती है। खीर का स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, पर जब कभी भी मैं खीर बनाती हूँ तो मैं चाव से ये खीर खाती हूँ। तो इस तरह से ये हमारी गोभी की खीर बनके रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिप ऑफ द डे, अगर आप सातों भी दिन चाय में चीनी डालते हैं तो उससे अच्छा है कि आप एक दिन चीनी के अलावा गुड़, जागरी, वो चाय में डाल के पीजिए, क्योंकि 7 दिन का जो चीनी का असर रहता है वो 1 दिन के जागरी के चाय में ही निकल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ और किचन टिप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए स्क्रीन पे दी हुई लिंक पे क्लिक करें।